हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि 19 अक्टूबर के लिए है। सही बच्चे हैं, अपना नाम लिखेंगे आपने, कक्षा अध्यापक नाम। संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण एक, ये हम पढ़ने वाले हैं। आप संविधान बनने की प्रक्रिया हम इसमें पढ़ने वाले, कहते हैं संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। कहता संविधान निर्माण के जो विचार थे, जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तभी राष्ट्रवादियों के मन में आने लगे थे। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए? स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठक लगभग अगले 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक चुनौती थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी और ना ही वो एक धर्म के थे और ना ही एक जैसी उनकी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व की निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसे संविधान कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। राष्ट्रीय एकता भी है और विविधता के प्रति गहरा सम्मान भी, कहो ठीक है। ये आप देखिए, संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम। संविधान के मुख्य लक्षण क्या है जी? संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब क्या है? देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम केंद्र स्तर पर, यानी कि केंद्र सरकार। दूसरी राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य सरकार। तीसरी स्थानीय स्वशासन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार हो सके, ठीक है जी। क्यों है संघवाद क्यों है हमारे देश में? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त, यानी कि अपने आप अधिकार हो सके, इसलिए संघवाद है। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान की कुछ सूचियाँ दी गई हैं। इन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। क्रियाकलाप। अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए। पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए आपसे। कहता है संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कौन कौन सी चुनौतियां थी जी। ये देखिए, यहाँ पर संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी, यानी कि चुनौती यह थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, ना तो उनकी भाषा थी, ना ही उनका एक धर्म था, और एक जैसी संस्कृति भी नहीं थी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर ये पूरा और ये पूरा यहाँ तक थी। ये प्रश्न एक का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। क्या चुनौती थी उनके सामने? कि इतना बड़ा देश है, कई समुदाय हैं, उनकी ना तो भाषा एक है, ना ही धर्म एक, और ना ही उनकी संस्कृति एक है। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन कहता है संघवाद से आप क्या समझते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, ये है संघवाद, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 2 का आंसर संघवाद। हमारे इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। संघवाद का मतलब क्या? शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना है, ये है आपका संघवाद। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है? तो देखिए कहता है हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं, ठीक है जी। ये प्रथम स्तर केंद्र सरकार, द्वितीय स्तर राज्य सरकार, तीसरा स्तर पंचायत व्यवस्था का स्वशासन। ये तीनों लिख देंगे आप, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका, ठीक है। कितने स्तरों की है? 3 स्तरों की है। फिर उसने कहा लिखिए, तो ये लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
चार कहता है हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए ये यहाँ से लिखेंगे। कहता है भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों के फैसले स्वायत्त यानी कि स्वयं लेने के अधिकार हो सकें, इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं, इसलिए संविधान संघवाद की व्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो इस तरह से आपकी बेटा वर्कशीट पूरी हो गई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। ये संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, राज्य उसमें कुछ स्वयं अधिकार अपने आप निर्णय ले सकें, इसलिए जो है संघवाद रखा गया हमारे देश में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा अगली वीडियो में।